दोस्तों आज का ट्रॉफिक है 18 फुट बाय 35 फुट, मतलब टोटल 630 स्क्वायर फुट का हाउस प्लान जो 3D में कैसे कंस्ट्रक्शन होगा वो भी इस वीडियो में फुल डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में और भी बहुत सारा जानकारी मिलेगा आपको, किस टाइप का आपका प्लानिंग होता है एंड क्या क्या गलती करने से क्या दिक्कत होता है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बिल्डिंग प्लान में OTS यूज हुआ है। अगर आपको OTS क्या है तो उस देखने के लिए इस वीडियो ज़रूर देखिए। एंड दोस्तों इस वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस बिल्डिंग में बनाने के लिए कितना खर्चा होगा वो भी इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो का अंत तक देखना, कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिए। ओके चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है बिल्डिंग प्लानिंग। अभी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है ये इस बिल्डिंग का प्लानिंग है, उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों इस बिल्डिंग का जो वाइड है इधर से इतना तक वो है 18 फुट एंड इसका जो लंबाई है इधर से इतना तक जो लेंथ है वो 35 फुट है। ओके एंड दोस्तों इस प्लान में इधर आपको मेन गेट देखने को मिलेगा एंड इधर आपका स्टेयरकेस कनेक्टेड है एंड स्टेयरकेस का जो साइज है आपका वाइड है 6 फुट एंड इसका जो लेंथ है वो 13 फुट 6 इंच। ओके एंड उसके बाद इधर एक गेट मिलेगा, उसके बाद आ जाते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग में। ओके एंड इसका साइज है 12 फुट 3 इंच बाय 9 फुट 5 इंच। दोस्तों इसके बाद इसका जो बेडरूम आ गया, इसका साइज है 10 फुट 9 इंच बाय 13 फुट 6 इंच। एंड दूसरा और एक बेडरूम है, उसका साइज है 10 फुट 9 इंच बाय 10 फुट 5 इंच। एंड दोस्तों ये आपका किचन रूम है, उसका साइज है 6 फुट बाय 7 फुट 1 इंच। दोस्तों ये कॉमन टॉयलेट है, इसका साइज है 4 फुट 6 इंच बाय 6 फुट 7 इंच। ओके इस बिल्डिंग प्लान में 2 OTS है। ये आपका फर्स्ट OTS है, इसका साइज है 4 फुट 6 इंच बाय 2 फुट 5 इंच। एंड दूसरा जो OTS है उसका साइज है 6 फुट बाय 2 फुट 11 इंच। OTS के मतलब हो रहे ओपन टू स्काई, क्योंकि ये इस बिल्डिंग प्लान में आपको तीनों साइड में आपका कोई भी खिड़की नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों साइड दूसरा का जमीन है एंड वो बिल्डिंग ऑलरेडी है, इसीलिए आपका फ्रंट में आपका मेन जो खिड़की ओपन करने के लिए स्पेस मिलेगा एंड आपका जो OTS है उधर मिलेगा। इसीलिए इस टाइप का जो बिल्डिंग प्लान होता है उसमें OTS यूज होता है। आगे में आप देखिए OTS क्या है टोटल डिटेल्स में। ओके दोस्तों इस बिल्डिंग प्लान में कितना कॉलम यूज हुआ है हम लोग देखेंगे। दोस्तों जो येलो कलर का मार्किंग किया है ये सारी कॉलम है, हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों टोटल 12 कॉलम यूज हुआ है। ओके एंड एक कॉलम का साइज है 10 इंच बाय 10 इंच। दोस्तों स्क्रीन पे जो 3D मॉडल आपको देखने को मिल रहा है ये इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो ड्राइंग होता है इसी टाइप का है। ओके एंड आपका जो रियल में कंस्ट्रक्शन होता है इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे आप लोग प्लान में देखा है। इधर आपका स्टेयरकेस देखने को मिलेगा एंड रियल में कैसे होगा, इसका स्टेयरकेस कितना आपका गेट होगा टोटल डिटेल्स में इधर देखने को मिल रहा है। ओके एंड इधर आपका जो रूम है, आपका इधर एक टॉयलेट रो है। ओके एंड इधर आपका OTS इस टाइप का होता है आपका। ओके OTS का जो है रूप में भी ऐसा ओपन रहता है। ओके एंड देखिए इधर बड़ा जो OTS है, OTS में आपका जितना खिड़की है वही ओपन है, कोई दूसरा और आपका जो तीनों साइड में कोई खिड़की नहीं है, आपका फ्रंट में सिर्फ खिड़की है। एंड OTS जिधर है उधर आपका खिड़की वेंटिलेशन जो जो चीज़ का ज़रूरत है वही आपको देखने को मिल रहा है। ओके एंड दोस्तों इस बिल्डिंग प्लान में जितना आपका इनर एंड आउटर वॉल है सारी आपका 5 इंच है। ओके एंड इस बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो 10 फुट है। ओके एंड दोस्तों इस बिल्डिंग का जो प्लिंथ हाइट है इधर से इतना तक वो 2 फुट है। ओके एंड इधर आपका जो मेन गेट है, इधर आपका जो आपका मर्जी वो आपका मॉडलिंग कर सकते हैं इधर। तो स्क्रीन पे जो 3D मॉडल देखा दे रहे हैं इसी प्लान का 3D मॉडल है। इसका जो इंटीरियर मतलब जितना भी वॉल कलर है एंड फर्नीचर डिटेल्स है वो सारी आपको कंप्लीट हो गया एंड इसका फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है, हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों इसी टाइप का आपको फ्रंट देखने को मिलेगा, इधर आपका एक मेन गेट देखने को मिलेगा। ओके एंड इधर आपका एक विंडो देखने को मिलेगा, इसी टाइप का आपका डिज़ाइन है फ्रंट में। एंड दोस्तों इधर आपका जो स्टेयर का विंडो देखने को मिलेगा, अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है इसी टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। एंड इधर आपका जो मेन गेट देखने को मिल रहा है उसका जो प्लिंथ हाइट है से 1 फुट डाउन है। ओके दोस्तों मेन गेट के बाद हम लोग जो एंट्री होता है वो स्टेयर रूम के तरफ ही एंट्री होता है। हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों ये आपका जो स्टेयर केस है देखिए इसी टाइप का ऊपर देखने को मिलेगा। ओके एंड स्टेयर किसका है, इसका वाइड है 3 फुट। ओके एंड इसका जो ट्रेड मतलब इधर से इतना तक जो लेंथ है वो 10 इंच है एंड इसका जो राइजर मतलब हाइट इधर से इतना तक जो राइजर है वो 6 इंच है। ओके जो स्टेयरकेस होता है उसी को बोलता है डॉगलेग स्टेयर टेक्निकल लैंग्वेज में। एंड ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को लैंडिंग कहते हैं। ओके एंड इधर से आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में एंट्री होगा। ओके एंड दोस्तों इधर आपको एक गेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको और भी फ्लोर बनाना है, रेंट पे देना है, इसी टाइप का आपका प्लानिंग है तो ये प्लान आपके लिए है। ओके एंड इधर आपको एक मेन गेट मिलेगा तो टोटल एक सेपरेट होगा हो जाएगा टोटल बिल्डिंग से। जितना मर्जी आप ऐसी टाइप का फ्लोर बना सकते हैं। ओके दोस्तों इस गेट से बाद हम लोग आ जाते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग में। ओके देखिए ये जो ड्राइंग कम डाइनिंग में इसमें सारी कुछ आपको एडजस्ट हो रहा है। इधर आपका सोफा सेट भी मिल रहा है, 2-3 सोफा सेट आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इधर आपका चाय नाश्ते के लिए इधर भी टी टेबल भी एडजस्ट हो जाएगा। इधर आपका 6 सीट वाला जो डाइनिंग सेट है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों इधर आपका जो वॉल के साथ आपका टीवी सेट भी एडजस्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों इधर आपको एक विंडो देखने के लिए मिलेगा जो ओटीएस से कनेक्टेड है। ओके दोस्तों डाइनिंग रूम से कनेक्टेड आपका फर्स्ट बेडरूम दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों ये आपका फर्स्ट बेडरूम है एंड इधर आपका 6x7 बेडरूम आराम से एडजस्ट हो जाएगा। एंड इस वॉल पे आपका जो वार्डर है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। वॉल पे आपका जो अलमारी टाइप का है एंड ड्रेसिंग टेबल है दोनों एडजस्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों इस बेडरूम में आपका एक ही विंडो देखने को मिलेगा जो बाहर से फ्रंट में आपको देखने को मिल रहा है इधर। एंड जो विंडो है उसका साइज है 4 फुट बाई 4 फुट। ओके तो फर्स्ट जो बेडरूम है उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है एंड इसका जो इंटीरियर डिटेल्स है वो बहुत ही लाजवाब है। इतना कम स्पेस में इतना डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छा है। एंड दोस्तों ड्राइंग कम डाइनिंग से आपका सेकंड जो बेडरूम दिखाई दे रहा है, लोग सेकंड बेडरूम में आ गया है। इस पोर्शन में आपका 6x7 बेड आराम से एडजस्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों इस वॉल पे आपका जो वार्डर है आराम से एडजस्ट हो जाएगा। एंड देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो इस वॉल पे आपका छोटा सा अलमारा एंड ड्रेसिंग टेबल वो भी एडजस्ट हो जाएगा। एंड इधर आपको एक विंडो देखने को मिलेगा जो ओटीएस से कनेक्टेड है। ओके देखिए दोस्तों ओटीएस इसी टाइप का है। ओके इधर आपका जो रूफ वाला इसमें ओपन रहते जो ये लाइट एंड एयर आने के लिए इधर आपका स्पेस मिल रहा है। इसी टाइप का ओटीएस होता है। जिधर ओटीएस क्यों करते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग में तीनों साइड से आपका बिल्डिंग कंप्लीट है दूसरा का, इसीलिए इसी टाइप का डिज़ाइन है। क्योंकि इसमें जो लाइट एंड एयर आने के लिए एक स्पेस मिल सकता है, इसी टाइप का ओटीएस होता है। ओके दोस्तों ड्राइंग कम डाइनिंग से कनेक्टेड आपका किचन रूम दिखाई दे रहा है। इस पोर्शन में सिंक एडजस्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों इस पोर्शन किचन सेल्फ के लिए सफिशिएंट स्पेस मिलेगा। जो मॉड्यूलर किचन है इस स्पेस में सफिशिएंट हो जाएगा। एंड तो इधर आपका एक विंडो देखने को मिलेगा जो ओटीएस से कनेक्टेड है। पहले हम लोग देखा जो ओटीएस है इसी से कनेक्टेड है। ओके तो ड्राइंग कम डाइनिंग से कनेक्टेड आपका कॉमन टॉयलेट जो दिखाई दे रहा है ये आपका कॉमन टॉयलेट है। दोस्तों इस पोर्शन में कॉमन एडजस्ट हो जाएगा। एंड इधर आपका एक वेंटिलेशन भी देखने को मिलेगा। ओके एंड दोस्तों ये जो साइज है सफिशिएंट आपका मॉड्यूलर जो टॉयलेट है उसमें के साइज के लिए एकदम सही है। एंड दोस्तों इधर भी आपका जो वेंटिलेशन है वो ओटीएस से कनेक्टेड है। देखिए आपका 2 ओटीएस है इस बिल्डिंग में, इधर एक ओटीएस है एंड दूसरा साइड में और ओटीएस है। ओके इसी टाइप का जो ओटीएस का काम होता है जो विंडो एंड वेंटिलेशन प्रोवाइड है। एंड जो पाइपलाइन है वो भी इसमें कनेक्टेड हो जाएगा ओटीएस में। ओके दोस्तों टॉप व्यू में हम लोग और एक बार प्लान को देख लेते हैं। दोस्तों इधर आपका मेन गेट मिलेगा एंड उसके बाद आपका स्टेयरकेस देखने को मिलेगा। एंड स्टेयरकेस के बाद भी आपका जो इधर एक गेट देखने को मिलेगा जो फ्लैट टाइप का जो होता है उसमें आपको सेपरेट करता है। एंड इधर आपको ड्राइंग कम डाइनिंग देखने को मिलेगा। इधर से कनेक्टेड आपका फर्स्ट बेडरूम है एंड ड्राइंग से कनेक्टेड आपका जो सेकेंड वाला बेडरूम देखने को मिलेगा। एंड आपको इधर आपका किचन भी देखने को मिलेगा एंड इधर आपका टॉयलेट भी देखने को मिलेगा। एंड दोनों टाइप का आपको ओटीएस देखने को मिलेगा। इस साइड में एक ओटीएस है एंड इस साइड में ओटीएस है। ओके दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा होगा, क्योंकि खर्चे के बिना हम लोग काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ख़त्म होने के टाइम दिक्कत होता है। क्योंकि बजट पहले से फिक्स्ड होगा तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके दोस्तों इस बिल्डिंग प्लान में आपको देखा टोटल जो एरिया है लगभग 630 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग प्लान है। एंड इसमें आपका टोटल 12 कॉलम यूज़ है एंड कॉलम का जो साइज़ है 10 इंच बाई 10 इंच। एंड आपको मालूम है इस बिल्डिंग में कितना सारा मटेरियल यूज़ होता है कोई भी बिल्डिंग में, एंड उसका भी वेराइटीज टाइप का ब्रांड है, कौन सा ब्रांड आप बिल्डिंग में यूज़ करेंगे उसके ऊपर आपका खर्चा डिपेंड करता है। एंड और एक चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है आपका जो लोकेशन, बिल्डिंग का लोकेशन कहाँ पे है, उधर का लोकेलिटी, जो मटेरियल है उधर का कॉस्ट क्या है, आपका लेबर का कॉस्ट क्या है, उसी हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट इंडिया में कोई भी जगह आप कंस्ट्रक्शन कीजिए इसी टाइप का आपका जो कॉस्ट होगा अप्रॉक्स 10 to 12 लाख रुपीज़ में आपका टोटल ऑल ओवर जितना आपको देखा 3D मॉडल में सारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्डिंग प्लान कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको न्यू बिल्डिंग प्लान चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। एंड दोस्तों, अगर आपको न्यू बिल्डिंग प्लान चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे भी मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। ओके दोस्तों, हम लोग जो बिल्डिंग प्लान प्रोवाइड करते हैं इसका फीस बहुत ही कम रखते हैं, लो प्राइस में हम लोग ये बिल्डिंग प्लान प्रोवाइड करते हैं। आपका 2D प्लान एंड 3D जो आपका मर्जी एंड आपका जो बिल्डिंग है उसका इसी टाइप का अगर वीडियो भी चाहिए वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके एंड दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होता है। दोस्तों फिर मिलता है न्यू बिल्डिंग प्लान के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।